गुजारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सोया बताओ तो सही, हुआ क्या है? पैसे, कपड़े और अब मेरे बच्चे का सामान मेरी अलमारी से गायब है। अरे अलमारी से कहाँ जा सकता है, देखो अलमारी में ही होगा या स्टोर में होगा। सब जगह ढूंढ लिए, कहीं भी नहीं है। ये मामूली बात नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अपने बच्चे का सामान नहीं खोने दूंगी। ये इंसान का घर है या फिर जिन भूत का? अच्छा प्लीज शोर मत करो, सुबह सबसे पूछ लेना। सुबह नहीं, अभी सबसे पूछो, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ बिलाल। सोया तुम क्यों बात को बिगाड़ रही हो, तुम जानती हो पहले ही मोहसिन भाई और अम्मी की लड़ाई हो चुकी है और भाभी का मामला अलग। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की लड़ाई हुई हो या नहीं, ये मामला मैं खुद ही हैंडल करूँ। मैं अब तक खामोश इसलिए थी क्योंकि तुम चाहते थे कि घर का सुकून बर्बाद ना हो, बदमजगी पैदा ना हो, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि ये मामला मेरे होने वाले बच्चे के सामान तक जा पहुंचे। प्लीज प्लीज बिलाल, तुम अपनी अम्मी, बहन, भाभी को सबको बुलाओ, सबसे पूछो मेरे बच्चे का सामान कहाँ है। अच्छा अच्छा प्लीज रिलैक्स, देखो इस हालत में गुस्सा करना ठीक नहीं है, सुबह आराम से सबसे पूछ लेना। नहीं, मैं सुबह तक इंतजार नहीं करूंगी बिलाल, अभी अभी सबको बुलाओ और सबसे पूछो। क्या हुआ बिलाल, जोया क्यों झगड़े हो तुम लोग, क्या हो गया? आपने मेरी अलमारी से मेरे बच्चे का सामान निकाला है ना? हैं? क्या बोल रही हो? हाँ, क्योंकि आपके अलावा कोई और ये हरकत नहीं कर सकता। तो अब भाई भाई, एक दफा भी नहीं सोचा इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले, मेरा ना दोहरा रिश्ता है तुम्हारा, रूसा का लिहाज कर लेती, इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया मुझ पे। भाभी प्लीज आप जाए, मैं जोया से बात। बिलाल मैं बात कर रही हूँ ना भाभी, मैंने आपका बहुत लिहाज किया लेकिन अब नहीं, तो बेहतर यही होगा अपनी गलतियों का एतराफ करके माफी मांग ले, वरना क्या। आओ अभी आओ मेरे कमरे में, चलो जाके मेरी अलमारी देखो खुली। क्या हो गया, आधी रात को क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना है? और साइमा तुम क्यों चीख रही थी? अम्मा जी बस आप मुझे ही सुनाया करें, देखे कितना घिनौना इल्जाम लगा रही है मुझ पे। देखो जोया तुम जरा अच्छी तरह से तलाश करो ना, कमरे में ही होंगी चीजें। नहीं भाई, इस घर में तो मैं ही मनहूस हूँ, मैं ही बदनसीब हूँ, मैं ही चोर हूँ, मैं ही बांझ हूँ, जो खराबी है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे में है क्योंकि मैं तो गरीब घर से हूँ और ये मैडम तो अमीर घर से है ना, इनके घर से तो पैसे आते हैं, इन्हें तो सब जायज है। अच्छा तो फिर मेरी अलमारी से मेरे बच्चे का सामान किसने चुराया है? अब तक सिर्फ बिलाल की वजह से मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी लेकिन अब नहीं, सिर्फ इसलिए कि इस घर का सुकून बर्बाद ना हो, बदमजगी पैदा ना हो, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब चाहे कोई नाराज हो या फिर गुस्सा करे, हकीकत का इल्म सबको होना चाहिए। जोया, जोया तुम भी क्या कह रही हो, और देखो ये तुम बहुत खतरनाक और बेहाना इल्जाम लगा रही हो इस पे। मैं मानता हूँ कि ये कुछ भी बोल देती है, बड़बोली है, लेकिन चोर नहीं है ये। मोहसिन भाई आप इस मामले से दूर ही रहें। कैसे दूर रह सकता हूँ मैं, कैसे, मेरी बीवी है और तुम मेरी बीवी पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तो फैसला तो होना चाहिए ना। अरे बस कर दो, सुबह खुद देखूंगी इस मामले को मैं। सुबह नहीं, फैसला तो अभी के अभी होगा। इसने मेरे पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया है, अब इसने मेरा लिहाज नहीं किया तो मैं भी इसका लिहाज। बस भाभी मेरा मुंह मत खुलवाएं, आपकी बहन पर भी चोरी का इल्जाम लगा है, उसे भी उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। कहीं आपको भी आपकी बहन की तरह चोरी की आदत तो नहीं हो गई? सोया तुम्हें एहसास है, तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? मोहसिन देख, सोया से बेहतर ना अरुषा को कोई नहीं जानता, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी कह रही है ना ठीक कह रही है। अरे ऐसे ही तो नहीं, वो इतने हफ्तों से घर आकर बैठ गई है, जरूर कोई ना कोई बात है। अम्मी प्लीज इस बहस को यहीं खत्म कर दे, सुबह इस मामले पर बात करेंगे।
मुझे तुमसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बहन पर और मुझ पर तुमने इतना घिनौना इल्जाम लगाया, वो भी चंद रुपयों के खातिर। अब तो इस घर में रहना ना मेरी तजलील होगी भाई। अरे अच्छा हुआ जोया कि तुमने मुझे सारी बात बता दी भाई। मैं तो समझती थी कि सिर्फ साइमा भाभी चालबाज है, लेकिन इनका तो पूरा खानदान ही धोखेबाज निकला भाई। अब तो मुझे अपने ससुराल में बच के रहना पड़ेगा। अम्मा क्या पता कब फोन करके क्या लगाई बुझाई कर दे। तो बा मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है। जोया तुम्हारे पास अरूसा के ससुराल वालों का नंबर है क्या? अच्छा ठीक है, बाद में ले लो। सोया ये अच्छा नहीं किया तुम।